अमित तुम भी चलो ना। देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं अंदर जाना नहीं चाहता। अच्छा बाबा ठीक है तुम जाओ। ओके सुमन कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। कुणाल हमने एक प्रोग्राम बनाया है। क्या प्रोग्राम? हम गैंगटॉक जाएंगे। हम मतलब मैं तुम और अमित। और तुम खर्चे की फिक्र बिल्कुल मत करना। नहीं सुमन मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? नौकरी की इंटरव्यू है अगले महीने को। तारीख अब तक तय नहीं हुआ है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। तुम भी ना कुणाल एकदम बोर हो। दुनिया की तमाम नौकरी इन्हीं एक महीने में खत्म नहीं हो जाएगी। वहां से आने के बाद भी तुम्हें मौका मिलेगा। नहीं सुमन प्लीज मुझे गलत मत समझना मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम लोग जाओ मैं बुरा नहीं मानूंगा। इसका मतलब गैंगटॉक जाने की सौभाग्य तुम्हारी किस्मत में नहीं है। मैं चलती हूँ। अरे कुछ देर तो रुको। अभी नहीं अमित मेरा इंतजार कर रहा है। कुणाल क्या हुआ इतना मायूस क्यों हो यार? देखो कुणाल इतना तुम मत सोचो। अरे ये लड़कियां ज्यादा ऐसी है। नहीं ऐसा मत कहो। हर लड़की एक औरत होती है और एक औरत बना भी सकती है बिगाड़ भी सकती है। हर एक औरत किसी की माँ किसी की बहन किसी की पत्नी और किसी की दोस्त होती है। एक सुमन के लिए तुम लोग पूरी औरत जात को बदनाम मत करो। कुणाल भैया आप? नैना दीदी घर में है। हाँ आप अंदर आइए। हाँ चलो भैया आप बैठिए मैं दीदी को बुला कर ले आती हूँ। ठीक है। कैसे हो कुणाल? हम गैंगटॉक से कल ही आए हैं। सुमन झूठ क्यों बोल रही है? वो तो 3 दिन पहले ही आई है। मुझसे झूठ बोलने का मतलब? कुणाल तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय पियो। सुमन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बताओगी मेरा कसूर क्या है? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? और आज तुम्हें कुछ अलग सा लग रहा है। मैं पहले जैसा ही हूँ। तुम्हें शायद पता है मुझे एक नौकरी मिली है। अच्छा तनख्वाह कितनी है? ट्रेनिंग पीरियड में 5,000 बाद में 10,000 होगी। 10,000 सिर्फ? सुमन अमित से मिले हुए तुम्हें कितने दिन हुए? इन्हीं दिनों में तुम मुझे भूल गई? मेरा कसूर क्या है क्या तुम मुझे बताओगी? हाँ मैं दौलतमंद नहीं हूं। मेरे पास बंगला गाड़ी नहीं है। क्या यही मेरा कसूर है? सुमन अब से मैं गरीब नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है और अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरी इस नौकरी से हम आराम से गुजारा कर पाएंगे। तुम अगर साथ रहोगी तो हमारा सब कुछ होगा। मुझे पूरा यकीन है रुपया पैसा घर गाड़ी सब कुछ होगा। बस तुम्हारा राय जानना चाहता हूँ।
तुम गलत कह रहे हो कुणाल, मेरी और अमित की शादी हो चुकी है, हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है और तुम्हारी नौकरी को लेकर मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है ना, उससे चार गुना ज्यादा अमित की रोज की बिजनेस की कमाई है और तुम में और अमित में बहुत फर्क है। अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कुणाल, तुमने कुछ खाया ही नहीं। और क्या खाऊं? वैसे भी मेरा पेट भर चुका है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रात को आकर जब पता चला कि तेरी नौकरी लगी है, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसी नौकरी किस्मत से मिलती है, आसान नहीं है कस्टम की नौकरी। अच्छा, सुमन कैसी है? सुमन के बारे में पूछकर तुम क्या मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें क्यों शर्मिंदा करूंगा, मैं तो सिर्फ सुमन के बारे में पूछ रहा हूँ। सुमन के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, वो अब अमित की है। मुझे माफ करना कुणाल, सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे प्यार को कोई लड़की ऐसे ठुकरा सकती है। औरत, इन्हें तो भगवान शिव भी समझ नहीं पाए, हम तो इंसान हैं। एक बात कहो सुनंद, ना पाकर खोने के गम से पाकर खोने का गम बहुत भयानक होता है। सुमन को खोने का गम मैं भुला नहीं पाऊंगा, हर वक्त उसकी यादें मुझे सताएगी। पाना और खोना यही तो जिंदगी है कुणाल। शेष बार के लिए मैं एक बार सुमन से मिलने जाऊंगा। हाँ, ना मिलने के गम से पाकर खोने का गम बहुत ही दर्दनाक होता है। सुमन को खोने का गम मैं सहन नहीं कर पा रहा था। हर रोज मैं सुमन की यादों में और मेरी कल्पनाओं से टक्कर खाता था। हर पल, हर जगह और हर हाल में, हजारों के बीच में रहकर भी मेरे दिमाग में सिर्फ सुमन ही रहती थी। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था। सुमन के मन में क्या थी ये जानना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। दीदी घर में है कि नहीं? दीदी घर पे नहीं है, माँ है। माँ, माँ। अरे कुणाल बेटा, आओ अंदर आओ। नहीं माँ जी, यही ठीक है। सुमन भी तो घर में नहीं है ना? नहीं है, सुबह अमित आया था, दोनों कहीं घूमने गए हैं। सुमन को लॉटरी लगी है ना? मुझे मालूम है माँ जी, इसलिए बधाई देने आया था। 3 दिनों से कॉलेज में बहुत इंतजार किया, वो कॉलेज भी नहीं आई। लॉटरी पाकर वो पागल जैसी हो गई है। तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कप चाय लाती हूँ। नहीं माँ जी, चाय की जरूरत नहीं है। नैना, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? आज स्कूल में मीटिंग है। अच्छा, तो माँ जी मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, चल अंदर चल। सिर्फ रुपयों के कारण उसने मुझे भुला दिया था। मेरे दिल की पुकार उसे सुनाई नहीं दी थी। रुपया क्या उसके लिए मुझसे भी बड़ा हो गया था? है संग दिल पिया, काश तुम मेरे प्यार को समझ पाती।
मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। अरे कुणाल, इतने दिनों के बाद मुंबई से कब आए? 2 दिन हो गए। नौकरी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सुना है आप ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं? आपने ठीक ही सुना है। यहाँ के घर जमीन वही बेचने के लिए आया हूँ। कस्टमर मिला है या नहीं? कस्टमर तो पहले से ही है, मैंने ही दिया नहीं था। अच्छा ही क्या, जब आप यहाँ रहेंगे ही नहीं तो यहाँ घर जमीन रख के क्या फायदा? सुमन ने मुझे बताया कि आप पिताजी को भी वहाँ ले गए हैं। फिलहाल आप कहाँ ठहर रहे हैं? इसी होटल में। आप कहीं जा रहे हैं? मेरा भाई शंकरदेव कॉलेज के हॉस्टल में है, उसने इस बार बीएससी फाइनल लिया है, सोच रहा हूँ उसे भी साथ लेके जाऊं। मेरे आने का खबर उसे मिला ही नहीं। घर जमीन के सिलसिले में आए हैं तो आप कुछ दिन ठहरेंगे? हाँ, 2-4 दिन तो रहना ही पड़ेगा। एक दिन हमारे घर आइए, हमारे घर तो पसंद है ना आप? शायद मैं... नहीं नहीं, आपको हमारे घर निकलने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप रुक्मिणी गांव के बड़ा नाम घर पहचानते हैं ना? उसी रास्ते से जाकर जो पहला बाइलेन मिलेगा लेफ्ट में, वो पहले वाला घर ही हमारा है। गेट में लिखा है सुमन लॉज। ठीक है, वक्त मिलने से जरूर आऊंगा। ठीक है, जरूर आइएगा। हाँ, चलता हूँ। ठीक है, टेक केयर। चाय लीजिए। सुना है कुणाल मुंबई से आकर होटल में रह रहा है, मुझे सुमन ने फोन करके कहा। मन में हौसला और विश्वास रहने से सभी लोग कामयाब होते हैं। हाँ, कैसे क्या हो गया? क्यों, उसकी कामयाबी से तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों नहीं लगेगा, इतना अच्छा लड़का है। काश वो हमारा दामाद होता। होने वाला तो था, पर हमारे बेटी को जल्दी आसमान के तारे को छूना था ना। छोड़ो ये सब, नैना बेटी कहाँ है? सुबह काकोली आई थी, नैना को वो अपने घर ले गई। क्यों? पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी लड़की है, अगर उसकी भी शादी हो जाए तो घर के लिए भलाई होती। क्यों, आपको पता नहीं, अगले महीने को उसकी शादी है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। चाबी दो। आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं, वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। कैसे हो कुणाल? ठीक हूँ, बैठो। तुम यहाँ आए हुए हो फिर भी हमसे मुलाकात नहीं किया? हाँ, तुम सही कह रही हो, यहाँ आकर पूरा बिजी हो गया, वक्त ही नहीं मिला तुम लोगों से मिलने को। अच्छा, कितना देर हुआ तुम लोगों को? एक काम करते हैं, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए चलिए चलिए। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बढ़ते लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और ले डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं,
डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आओ बैठो। यस कम इन। सर जूस लाओ क्या? हाँ 3 ग्लास लेके आना। ओके सर। हाँ आजकल शाम को मैं 1 ग्लास फ्रूट जूस लेता हूँ। यहाँ तुम लोग आए मुझे बहुत खुशी हुई। आज डिनर यहाँ एक साथ करेंगे। नहीं नहीं हम तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आए हैं। तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। नहीं आज मैं नहीं जा पाऊंगा। तो फिर कल शाम को जरूर आना। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं बुरा मानूंगी। आपको ले जाने के लिए कल शाम को मैं आ जाऊंगा। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। फिलहाल डिनर तक आप लोग अपने अपने बारे में कुछ कहिए। कम इन। सर लीजिए। हाँ मुझे दो। लो पियो। लो। थैंक यू। अरे सुमन। हाँ तुमने तो अपना घर बड़ी सुंदरता से सजाई है। कुणाल मजाक मत उड़ाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही तो कह रहा हूँ। अमित ने किसी तरह से बनाया है। तुमने शायद मुंबई में बहुत सुंदर घर लिया है ना? है एक छोटा सा घर, पिताजी और मैं किसी तरह से रह रहा हूँ। सोच रहा हूँ इस बार भाई को भी यहाँ से लेके जाऊँ। इस बार तो तुम सच में मजाक उड़ा रही हो, है ना अमित? वो तो है। दीदी खाना लगा दिया है, आप लोग आइए। ठीक है तुम चलो। चलिए चलिए। हाँ चलो अब डिनर भी हो गया है, मैं चलता हूँ। जरा रुको कुणाल, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगी। नहीं इतनी रात को मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊंगा। तुम अकेले क्यों जाओगे? मैं तुम्हें बिल्कुल अकेले नहीं जाने दूंगी। तो फिर शर्मा जी जाएंगे मेरे साथ। अमित को जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम डर गए हो कि मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी? वो थोड़ा आराम करेंगे, दिन भर फैक्ट्री में काम करते करते वो थक गए हैं। हाँ तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है चलो कुणाल। तो ठीक है शर्मा जी मैं चलता हूँ। ठीक है चलो। चलो कुणाल वेटिंग रूम में 2 मिनट बातें करते हैं। लेकिन रात काफी हो चुकी है। अरे कुछ नहीं होगा चलो। ठीक है जो तुम सही समझो चलो। आओ बैठो। अच्छा इस तरह अकेले आने में तुम्हें डर नहीं लगी? नहीं डर क्यों लगेगी कुणाल? तुम्हें शादी नहीं करनी है? शादी? क्या हुआ तुमने हंसा क्यों? नहीं दोबारा दिल को चोट पहुंचाने की मन नहीं है।
चोट? शादी करने से क्या लोगों को चोट पहुंचती है? शादी के अलावा और कुछ बात है तो कहो। शादी की बात को तुम इतना नकारते क्यों हो? नकारता नहीं, शादी जरूर करूंगा, लेकिन अब नहीं। तो कब? जब वक्त आएगा तब। अच्छा, काफी रात हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ, चलती हूँ। अगर यहाँ कुछ दिन और ठहरो तो हमारे घर आना मत भूलना। जरूर। चलती हूँ। ठीक है। हम दोनों के बीच इतना गहरा प्यार था, हमने भी एक आशियाना बनाने का सपना देखा था, लेकिन आशियाना बनने से पहले टूट कैसे गया? वो सब अतीत है, उसे अतीत में ही रहने दो कुणाल। तुम कहाँ जाओगे? कुणाल के पास, एक बार मिलकर आती हूँ, तुम मुझे होटल तक छोड़ देना। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? बदला? ये कैसे बदला हुआ? तुम अपने अतीत को भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं। इसलिए तुमने ये उपन्यास लिख डाला? नहीं, उपन्यास लिखने के लिए इससे अच्छी कहानी और कहाँ मिलती।